ऐसी छोटी ट्राली हमारे नंदू के लिए। मेरे को क्या देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस गेस करो किसका नाम है। यहाँ पर बाकी भी चार लग रहा ना डाकू। चाबी महंगी थी, चाबी ने जो लॉकेट लगा था उसके अंदर वो महंगा 750 रुपए का। तो चाबी का क्या है, चाबी तो ये नहीं, मुझे सुनता हूँ ना दूर भागे। तो गाइस पार्टी भाई है यार, गाया हमसे नाराज रहे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ प्रियांशु सरपंच, आप देख रहे हो सरपंच 07 ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं हो चुका हूँ स्कूल के लिए रेडी। भाई हमारे स्कूल वाले इतने करीबी बस ही नहीं भेज रहे भाई मेरे लिए, समझाओ इनको कोई कुछ। तो अब चलते स्कूल। 6.5 hours later। तो गाइज अभी हो रहे 1:21, हमारा स्कूल में पी का प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल खत्म हुआ 12:30 बजे और मेरे हाथ मेरी स्कूटी की, मतलब स्कूटी नहीं बुलेट की चाबी घूम गई थी। तो वही ढूंढ रहे थे ग्राउंड में आधे घंटे से, मिली नहीं। फिर घर पे फ़ोन लगाया तो अभी चाबी लेकर आए। और हम यहाँ रुके चंदू भाई के पास, पेट पूजा कर लेते। देखो वो खड़ी है गाड़ी, और देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली चाबी, मतलब जो रियल वाली चाबी थी ना वो घूम गई है। और अभी मैंने घर पर फ़ोन लगाया, फिर चाबी लेकर आए और हम जा रहे थे मैच खेलने। वहाँ मैच चालू हो चुका है टन की, अभी हम जा रहे थे मैच खेलने और वहाँ मैच चालू हो चुका है और हम ये बर्गर खा रहे हैं। उनसे बोला है कि आ रहे हैं 10 मिनट में, मैच चालू हो चुका है। अभी फोन आया था और हमारी ये फील्डिंग फोन किसका आया था पता है, पार्टी भाई। पार्टी ने फोन लाया, बोल रहा फील्डिंग, और मैंने सोला भी स्कूल में और हम ये बर्गर खा रहे हैं। बर्गर नहीं सैंडविच। अरे यार ठीक है ना, क्या ऑर्डर करा, हाँ सैंडविच ही करा। भूख लग रही यार, भूखे इंसान में घर पे जाके अभी तक भैया तू जाओ घर पे बहुत जम गए। अरे ना पिटू रे, चाबी चाबी को कहा है, चाबी दूसरी बनवा लूंगा। हाँ चाबी कही चाबी से जो लॉकेट लगा था उसके अंदर वो महंगा था 750 रुपए का। तो वो चाबी का क्या है, चाबी तो ये रही। दुबई बना रहे हैं मेरा शर्मा जी कहाँ है, करे जो मन मानी है मन ना माने, मिली जो ये जो याद करते फालूदा। बस स्पीड गाइस एक नंबर जगाए, अपने भाई की दुकान है, आइए खाइए मौज करिए। गाइस बर्गर फाइनली हमने खा लिया है, वो देख सकते हो रहा जी बर्गर हमने भी खा लिया। अब चल रहा है ग्राउंड पे, बहुत देर से बोल रहा था। सुनिए ना कौन वा सुन, समथिंग कुछ न्यू आ रहा है, कुछ न्यू ले रहे हैं। बताओ गेस करो क्या ले रहे हैं, कमेंट सेक्शन में गाइस गेस करो क्या लेंगे हम। धूप आ रही है, चले गाइस चलते हैं। चले आ रही है भाई, चलो गाइस चलते हैं भाई। अब वहाँ पे बुला रहे हैं वरना हमको बहुत गालियाँ पड़ेंगी। चलते हैं मैच खेलते, उसका घर भी जाना है। भाई मैं बैग भूल गया यार, भाई मैं इतना महान वाला हूँ, कब मैं स्कूल का बैग नहीं छोड़ के जा रहा था। एक तो वैसे गाड़ी की चाबी घूम गई, ऊपर से बैग भी छोड़ दो भाई। तब चलते हैं, चलो गाइस। गाइस ये रही दूसरी चाबी जो हमने चाबी घर से मंगवाई थी यार। भाई वो यार वो वाला लॉकेट मेरा फेवरेट था यार। कोई ना गाइस चलते हैं घर की तरफ। An eternity later. तो गाइस अभी मैं यहाँ रुका था 2 मिनट के लिए, फोन पर बात करने के लिए। मेरे को क्या देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस गेस करो किसका नाम है, याद करो। यहाँ भी बोल रही यार, कुछ तो शर्म कर। सऊदी नगर, अभी वर्क इन प्रोग्रेस, Two thousand years later. तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैं घर पे था। आज पी का प्रैक्टिकल था भाई, हालत बहुत खराब हो गई। उसके बाद हमने मैच खेले और दोनों मैच हम हार गए। वैसे तो एक मैच ही खेला मैंने, तो एक खेला और एक में तो हम आए ही नहीं थे उसके पहले, एक ही मैच खेला। मैं अभी इधर आया था। हाँ चल रहा है अभी काम घर में, इतना कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा पैक होगा। और इसके पीछे इधर अभी काम चालू नहीं हुआ, एक गेहूं कट जाए, इसके बाद यहाँ पर रूम्स बनना है। बाकी अभी 4 या 5 रूम इधर बनेंगे और इसके साइड में इधर गार्डन बनना बाकी है। मतलब घर को ऐसा बनाएंगे कि क्या बोले यार। अभी मैं जब सुनता हूँ ना पापा बोलते ये होगा, भाई इसको रेडी कर लो, इतने बड़े को रेडी कर लो आप, उसके बाद उसको बनाना।
अभी इधर भी काम चल रहा था, आज आए नहीं इसके अंदर भी। अभी नीचे ऊपर शेड होना है, नीचे अभी क्या बोलते हैं टाइल्स वाइल्स लगनी बाकी है इसके अंदर भी, और बाकी ये वाली इधर से तो कंप्लीट हो चुका है गाइस। ये देखो ये गाइस कोल्ड स्टोर रूम जो अभी बंद है क्योंकि इधर काम चल रहा है, इसके कारण इसको बंद कर रखा है। ये सब्जी स्टोर करने के लिए यूज़फुल रहता है, जैसे जो हमारी सब्जी होती है उनके लिए यूज़ करते हैं इसको। और ये वाला जो घर बनाया है पता नहीं काहे के लिए बनाया है, डोंट नो व्हाई बस बनाया है। ये वाला जो घर बन रहा है ना, ये जिसमें मैं अभी घूम रहा हूँ, पता नहीं काहे के लिए बनाया है, बस बनाया है, आई डोंट नो। ये देख सकते हो अभी तो यहाँ भी माली पड़ी है, मिट्टी पड़ी है। हाँ, और ये है कुछ जो गली गैलरी टाइप आप देख रहे हो ना, वहाँ पे ऐसे आर्क बन के गेट लगेगा और इधर भी आर्क बनेगा, यहाँ भी गेट लगेगा, इसको पेक करेगा। और ये वाला जो शेड है, ये वाला इधर से लेके इधर तक ये वाला पूरा शेड निकालना है और यहाँ पे छत डालना है। और उसके बाद ये किधर रूम बन रहा है, और ये वाली पूरी किचन को तोड़ कर फिर से किचन को न्यू बनाया जा रहा है, न्यू मॉडल डिज़ाइन, क्योंकि पुरानी बहुत मतलब पुरानी वाली किचन पुराना डिज़ाइन है किचन का, तो पूरा तोड़ कर रेनोवेट होगा ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया रेनोवेट होगा। ये सब टूटने अभी ये गेट निकल चुका है इधर का, मतलब ये पूरा बैकयार्ड था पहले इधर, यहाँ से ये देखो ना आप, ये पूरा ये इधर का एरिया, यहाँ पे खेत हुआ करता था, पर घर के घर क्या है कमी पड़ रही थी घर में हमको, इसलिए इसको इतना बढ़ा लिया है, क्या बताएं। देख सकते हो यहाँ तक आ चुका है, और इसके जो साइड में है ये एरिया, ये एरिया इसको भी कॉन्क्रीट कराना है, बहुत सारा काम है। और बाकी फिर यहाँ से खेत स्टार्ट हो जाते हैं गाइस, ये देख सकते हो काम चल रहा है। आज काम वाले आए नहीं, ना चद्दर का काम हुआ मतलब शेड का काम हुआ, और ना ही घर का काम हुआ, और पर तो कोई नहीं मेरे अलावा सब गए। क्या देख रहा हूँ गाइस, ये मशीन बताओ किस काम में, कमेंट सेक्शन में बताओ ये मशीन किस काम में आती है, कोई बता सकता है। ऐसे ही छोटी ट्राली हमारे नंदू के लिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पता है खेत में जो वाइस आती है वो कहीं नहीं आती भाई, ये किस काम की भाई, कुछ नीचे तो नहीं आएगा, मजबूत है ना, चढ़ के देखते हैं गाइस, ऊपर ऊपर चढ़ के देखते हैं। हे राम राम, बस मैं ना गिर जाऊं, वरना अभी है ना मैं आपको सनसेट दिखाता हूं यहां से, देखो गाइस कितनी मेहनत कर रहा हूं गाइस, ये देखो अब तो आ रहा सबास आ रही बरार, करना इंकार बार बार देना साथ। जैसे दिखा रहा था ना आपको एरिया, वो एरिया ये है, इसके अंदर कुछ दो कितने रूम बने थे, एक दो तीन, इसके अंदर कुछ चार रूम और बनेंगे इधर, अभी उधर बहुत सारा सामान पड़ा है। ये गाइस पाइप, आज आपको पूरा होम टूर दे रहा हूँ मैं गाइस, होम टूर तो घर कंप्लीट होने के बाद देंगे आपको, पर बाहर का एरिया आपको घुमा दिया है, कभी भी आना हो आ सकते हो, बस कुछ सामान मत उठा कर ले जाना क्योंकि सामान ऐसे ही पड़ा रहता है कहीं पे भी, कोई ध्यान नहीं है हमारे घर पे, कुछ भी कहीं पे पड़ेगा। ऐसा है कि आप मेरे घर पे ये है कि आप चीज़ यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो ना, आपको कल वो वहीं पर मिलेगी, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, हाँ मतलब कुछ ऐसा सामान है तो उसको उठा कर उसकी सेफ उसकी जगह पर रख देंगे, पर ऐसा नहीं कि आपने कुछ बाहर क्या और आपने कुछ यहाँ पर रखे हो, कोई नहीं बोलेगा, वो सामान आपको वहीं पर मिलेगा, ये खासियत है। और गाइस ये चीज़ बताओ ये किस चीज़ में काम आती है, ये आती है गेहूँ स्टोर करने में काम, अब गेहूँ कटते हैं ना बीज के लिए रखते हैं ये उस चीज़ के लिए। गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद अभी रेत का ट्रक आ रहा है उसको खाली करवाते हैं, फिर मिलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के कुछ सात के समथिंग ही हो रहा होगा।
एक घंटे से जो हमारा शॉपिंग प्लेटफॉर्म आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता है उसके बारे में, ज़्यादा को नहीं पता, जिसको हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी गाइस, बहुत काम, लिटरली मैं 2 महीने से उस वर्क पर काम कर रहा हूँ। सही रिसर्च करी, उसका प्रोडक्ट, अपने शिपर से बात करी, मतलब बट जो लास्ट चीज़ हमने निकाली है ना भाई, वो उसका टैग, वो उसका जो अपना है ना, क्या बोलते हैं, टैगलाइन, मेक योर डेली लाइफ ऐसी, जो टैगलाइन है ये बिल्कुल सूट कर, हम ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ के लाए उसमें जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। लेकिन अभी कुछ कम प्रोडक्ट है, अभी हमने कुछ 10-12 प्रोडक्ट ढूंढे हैं अभी, पर अभी रिसर्च चल रही है, बहुत जल्दी उसको लॉन्च करने वाले हैं। पर जितना पैसा मैंने सोचा था ना इस प्रोडक्ट में जो वेबसाइट बनाने में और जो खर्चा सोचा था गाइस, उसका डबल होने वाला है। लिटरली जो बजट अभी बनाया था हमने, वो बजट एंडिंग पे, और अभी एड्स बची है, उसके बाद जो वेबसाइट का खर्चा देना है हमको, मेंटेनेंस का, उसका डोमेन नेम और शिपर को, गाइस बहुत है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। पर गाइस कोई ना, करते हैं, बाबा श्याम हमारे हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारे कोशिश कर रहे हैं कुछ नया ट्राई करने का। जो गाइस कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, जॉब तो करूँगा नहीं, बिजनेस करना है, और मतलब चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, जब फाइनल टच होता है युवराज देता है। मतलब मेरे को क्या है, 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करी, उसके बाद कन्फ्यूजन आता हूँ क्या लूँ, मतलब क्या चूज़ करूँ। तो ऐसे अभी मैं जा रहा था बाहर, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस अभी बज रहे थे रात के 11, मैं अभी घर पहुँचा, खाना आना खाया, और बाहर तो व्लॉग शूट कर नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन बंद होने वाला था, फ़ोन बंद होने क्या बोल रहा हूँ यार मैं। गाइस अभी बज रहे रात के 11, मेरा फ़ोन बंद होने वाला था इसलिए मैं बाहर व्लॉग शूट नहीं कर पाया। अभी घर आया, खाना खाया, और गाइस अब बहुत ही नींद आ रही है, और कल हमारा एकदम इसका ACL है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और व्लॉग भी एडिट करना है, शेड्यूल करना है, याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारी सेफ्टी, 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा कुछ 15 रन। चलो